अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे दूसरे व्लॉग का आगाज़ है, तो आज इंशाल्लाह आपके साथ रूटीन शेयर की जाएगी जो जो होगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो देखते हैं कि आगे आगे क्या क्या होता है, तो इंशाल्लाह वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो अभी जी मैं ऊपर आया था अपने खरगोशों को देखने, तो उनको चारा वगैरह डालना अभी मैंने चारा, पता नहीं छोटा भाई कहाँ रख गया, वो देखते हैं पहले। तो ये जी अभी मैं चारा डालने लगा हूँ इनको। अभी ये चारा खा रहे हैं। तो जी अभी मैं थोड़ा अपनी दाढ़ी शाड़ी सेट करवाने जा रहा हूँ माई के पास, तो बड़ी हुई होती है तो ज़रा इसे बनवाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है एक नई लुक के साथ। हाँ जी गाइस, मैं दाढ़ी बनवाने गया हुआ था, तो अभी दाढ़ी वगैरह बना के तो हाँ जी जी तो ये हम सब्ज़ी लेकर आए मंडी से, तो सब्ज़ी मंडी से, तो अभी आपको दिखाते हैं सब्ज़ी। तो चलिए जी आपको सब्ज़ी का रेट बताते हैं। तो ये जो बैंगन है ये 20 रुपये किलो, ये खीरे 40 रुपये किलो, और ये आलू हैं ये तकरीबन 150 के आए हैं, 3 किलो हैं। और ये है जी बीज के लिए आलू, हमने बाहर सब्ज़ी लगानी है तो ये आलू भी उसमें लगाने हैं। तो ये हैं जी गाजरें, ये तकरीबन 40 रुपये किलो हैं और 1.5 किलो हम लेकर आए हैं। और ये है गोभी, ये 50 रुपये किलो थी, 1.5 किलो हम लेकर आए हैं। इसी तरह ये कद्दू हैं, ये 50 रुपये के हैं, ये तकरीबन 1.5-2 किलो है। और ये है जी धनिया, ये तकरीबन 20 की गुट्ठी मिली है। हमारे पास ही यही सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी से ना ज़रा सब्जी जो है वो ताज़ी भी मिल जाती है और अच्छे रेट पर मिल जाती है। बाज़ार से रेट अच्छा होता है सब्जी मंडी का, तो और ताज़ी भी होती है। तो ये जी अभी मेरा छोटा भाई ना ये फ्रिज में ना सब्जी सेट करने लगा है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे। अब तुम करने लगे सेट? हाँ मैं सेट फ्रिज में कर। चलो करो इसको, ये आपको दिखाते हैं ये सेट करने लगा सब्जी फ्रिज के अंदर। चलो जी ये गाजरें, पहले गाजरें रखने लगे, तो ये शॉपर खोल के नहीं रखोगे? नहीं नहीं ऐसे सही पड़े रहेंगे, ऐसे सही पड़े रहेंगे। ये धनिया ये वहीं ऊपर ही रख दो ना, इधर रख। हाँ इधर ही रख दो, कुछ नहीं होता। ये क्या कद्दू? कद्दू भी ऐसे रखोगे शॉपर्स में? थी कद्दू निकाल कर रखने पड़ेगा। चलो ऐसे ही रखते। ये हैं जी खीरे, खीरे मैं तो कहता हूँ शापर से निकाल के रख दो, हवा में पड़े रहेंगे ना तो ताज़े पड़े रहेंगे। इसके अलावा ये गोभी है, गोभी ये भी शापर में रखोगे? नहीं नहीं ये निकाल कर ही रखूँगा। ये देखें जी फ्रेश फ्रेश गोभी है। हाँ माशाल्लाह ताज़ी सब्ज़ी है ये। सब्ज़ी मंडी का यही तो फ़ायदा है, एक तो सब्ज़ी भी ताज़ा मिल जाती है और एक मिलती भी अच्छे रेट्स पे है। ये देखें। हाँ बस ठीक है। ये भी शावर में रखोगे? हाँ ये ऐसे रखोगे यार, इनकी ना चिप्स बनानी है वैसे। हाँ बहुत बनाएंगे फिर, इसीलिए लेकर आए इनकी। आज शाम को या कल को ना
इनकी इनकी चिप्स बनाएंगे दोनों मिलके, ठीक है? ये बाहर रखने हैं? हाँ, ये उधर टोकरी में रखने। चले ठीक है। ये जी चाय बन रही है हमारी, और ये अभी चिप्स बनाए हैं आलू के। ये खाएंगे अभी, खाएंगे खाएंगे। और क्या क्या साथ बनाया आपने? ये आपने बनाए हैं? नहीं, ये मम्मा ने बनाए हैं, अम्मी ने बनाए हैं। चाय भी बन रही है और साथ में चाय होगी और ये चिप्स होंगे, हैं मजे से खाएंगे फिर। इधर दिखा और क्या साथ बनाया? और साथ में खीरे काटे। ये तो आपने काटे होंगे? हाँ जी, ये आपने काटे हैं? हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, पूरा स्पैक रखा हुआ है नीचे, ये प्लेटें भी है, चटनी भी बनाई हुई है साथ में। चले ठीक है, अब लेके आओ बाहर। चाय जब बन जाए ना फिर लेके आना, चाय भी और ये भी। ठीक हो गए, ओके। ये जी हमारे चिप्स रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम दोनों खाने लग गए हैं और आपको बताते हैं कि इनका कैसा टेस्ट है। खा लिया, उठाओ आप पहले। कैसे बने? अच्छे हैं माशाल्लाह, चटनी के साथ अच्छे लग रहे हैं। सब्जी धनिया और पुदीने की चटनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ। मैं भी टेस्ट करूँ एक? करो करो। ये कैसे? जबरदस्त है यार, माशाल्लाह। चटनी आपने जबरदस्त बनाई है। अच्छा हाँ जी, ये तो है पुदीने की चटनी है ना। हाँ, वो बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, बहुत जबरदस्त। चाय भी है सर, अभी चाय पीते हैं ना। ये तो थोड़ा सा खा लूँ मैं, ये साथ खीरे भी हैं। मज़ा है ना? हाँ जी, टेस्टी बने हम। अभी ना मैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, तो मैं अभी वो देख रहा था, तो अम्मी ने पीछे से आके मुझे बोला कि वो कल से आप आटा चक्की पे छोड़ के आए, तो वो नहीं ले गया ना। तो अभी मतलब शाम का टाइम होने वाला है, तो खाना वगैरह बनाना है, तो अम्मी बोलती वो लेके आओ जल्दी से, फिर मैं अभी वो लेने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आटा लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया, चलें चलें। ओके, ठीक है ठीक है। तो ये अभी ना मेरा ना भाई लाहौर उधर ड्यूटी करता है, तो वो लाहौर से आज ड्यूटी, उसको छुट्टी मिली है, तो वो वापस आ रहा है, तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैं अभी उसको लेने जा रहा हूँ, तो चलते हैं उधर। इधर खड़ा यार, इधर इधर कहीं नहीं बोला था। हाँ हाँ, वो सामने तो खड़ा है। पीछे रखो मोबाइल, वो सामने खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ये जी लाहौर से आ रहा है, अभी इसकी ट्रेन आई है, लेट होगी जाए थोड़ी ट्रेन, तो अभी पहुँच जाएगी। अभी घर चल के फिर बात करते हैं। चलो, तो ये जी अभी घर के लिए फ्रूट्स लेने लगे हैं, तो ये अभी केला की रेट, केला 100 रुपये।
ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੇ ਕਰਦੇ तो ये जी घर के लिए फ्रूट्स ले लिए हम घर चलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।